वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 82 में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सुप्रीम बॉडी 2021 में अपने 100 साल पूरे होने का मना रहा है जश्न। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के तहत सहरोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे आगाज़। 19 नवम्बर को एक आलीशान तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी कई मंसूबे कौम के नाम करेंगे वक्त। भारत आज से श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर फिर से करेगा शुरू। मरकज के फैसले से बड़ी तादाद में सिख तीर्थयात्रियों को होगा फायदा। श्री करतारपुर साहब लाखों भारतीयों के अकीदत का है मरकज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के तहत सहरोज़ा कौमी दिफाई कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। 19 नवंबर को एक आलीशान तकरीब में वज़ीर आज़म करेंगे कई मंसूबों का आगाज। अफगानिस्तान के सिलसिले में अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट आए भारत। कौमी सलामती के मुशीर और खारजा सिक्रेटरी से मुलाकात करके अफगानिस्तान की हालत पर की तफसील से बातचीत। खुदकुश हमलावरों ने युगांडा की राजधानी कंपला को बनाया निशाना। 3 अफराद की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। इस्लामिक स्टेट ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 बैन अलावामी सीरीज का आज से होगा आगाज। जयपुर के स्वाई मान सिंह स्टेडियम में दोनों टीमों का होगा मुकाबला। रोहित शर्मा करेंगे टीम की क्यादत। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 82वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भारत में मुंतज़िमीन की आला तंजीम है जो 2021 में अपना सदी साल मना रही है। AIPOC का सदी साल मनाने के लिए आज और कल शिमला में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का 82वां एडिशन मुनाकिद होगा। पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी शिमला में 1921 में हुआ था। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला भी मौजूद होंगे। गुरु पर्व से पहले मरकजी हुकूमत ने सिख बिरादरी को खास तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने COVID-19 की बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र करतारपुर साहब कॉरिडोर आज से फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया है। करतारपुर साहब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सहूलत मौजूदा तरीक़ेकार और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी के मुताबिक फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके मरकजी हुकूमत के इस फैसले की इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट किया, इस फैसले से बड़ी तादाद में सिख तीर्थ यात्रियों को फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 17 नवंबर से करतारपुर साहब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख बिरादरी के तई हुकूमत की बेपनाह अकीदत को जाहिर करता है। मुल्क 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे यकीन है कि मोदी हुकूमत के करतारपुर साहब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे मुल्क में मजीद खुशी आएगी। श्री गुरु नानक देव जी के मुकद्दस मकाम श्री करतारपुर साहब के दर्शन के लिए कॉरिडोर को दोबारा खोलने से आम लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। अमृतसर में इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की।
तो करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने से आम लोगों में जोश व खरोश है और लोगों ने इसी सिलसिले में अमृतसर में मिठाइयां भी एक दूसरे को तकसीम की है। कोविड-19 की वजह से बंद हुए करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का हुकूमत ने फैसला किया है, जिससे सिख बिरादरी में खुशी का माहौल है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में सहरोज़ा कौमी दिफाई खुद सुपुर्दगी त्यौहार का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वजारत दिफा इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को कौमी दिफाई खुद सुपुर्दगी त्यौहार की इख्तितामी तकरीब में भारत की जंग आज़ादी की कौमी अलामत रानी लक्ष्मीबाई के यौम पैदाइश पर झांसी किला के सिहन में मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में वजारत दिफा की मुतअद्दिद नई पहलुओं को कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिसमें अगले दो वर्षों में 100 नए फौजी स्कूलों के क़याम, फौजी स्कूलों में लड़कियों को भी दाखिला देना, एनसीसी की तीनों शाखों के लिए सिमुलेटर पूरे मुल्क में कायम करना, कैडिटों को बेहतरीन तरबियत देने के लिए तमाम डायरेक्टरेट में राइफल फायरिंग जैसे कई मंसूबों की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज फिजाई आलूदगी पर फिर से समाअत होगी। समाअत के दौरान दिल्ली और मरकजी हुकूमत आलूदगी को कम करने से मुतालिक किए गए इकदामात की जानकारी देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली की फिजाई आलूदगी को बहरान की सूरत हाल करार देते हुए हंगामी इकदाम पर जोर दिया था। वहीं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हुकूमतों को फिजाई आलूदगी का मुकाबला करने की हिदायत दी है। और बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में आज भी हवा का मेयार बहुत ख़राब ज़ुमरे में है। हवा के मेयार और मौसम की पेशन गोई और तहकीक के निज़ाम के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली NCR के तमाम स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। कर्नाटक हुकूमत ने आजहानी अदाकार पुनीत राजकुमार को बाद अजमर कर्नाटक रत्न अवार्ड से सरफराज करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के वजीर आला बिसवराज बोम्मई ने कहा कि आजहानी अदाकार की एक यादगार बनाई जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ख्याल रहे कि पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर को 46 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया था। भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के लिए नए खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुल्क को इंसानी इमदाद और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों पर आलमी सतह पर की गई कोशिशों से मुतालिक गुफ्तगू हुई। युगांडा की राजधानी कंपाला में एक खुदकुश धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यह धमाका 3 खुदकुश हमलावरों ने किया, जिन्होंने पार्लियामेंट और पुलिस दफ्तर के पास खुदकुश धमाके में खुद को उड़ा लिया। पार्लियामेंट के अहाते के नज़दीक धमाके के साथ साथ बाकी शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। धमाके से कई कारों में आग लग गई। इस हमले की जिम्मेदारी फौरी तौर पर किसी ने कबूल नहीं की है। पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला मिली है कि यह धमाका इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किए हैं। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद टीम इंडिया एक बार फिर क्रिकेट के सबसे बड़े छोटे फॉर्मेट में कीवी टीम से मुकाबला करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज जयपुर से होगी। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। इस बार टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है।
और आइंदा वर्ष कतर में होने वाले फुटबॉल आलमी कप के लिए जारी क्वालिफायर में आलमी चैंपियन फ्रांस ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मंगल की शब हुए मुकाबले में फ्रांस ने फिनलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। पहले ही आलमी कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी फ्रांस की टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा कायम रखा, हालांकि पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मैच के 66वें मिनट में तजुर्बेकार खिलाड़ी क्रेम बेंजा ने एम्बापे से मिले पास पर गोल करके टीम को 1-0 की सबकत दिलाई। 10 मिनट बाद एम्बापे ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए गोल करने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ फ्रांस ग्रुप डी में 18 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। नीदरलैंड्स ने 2022 फुटबॉल आलमी कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आलमी कप क्वालिफायर में ग्रुप जी के एक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने नॉर्वे को 2-0 से शिकस्त देकर आलमी कप का टिकट कटाया। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ के आखिरी दौर में हुए। डच टीम ने दूसरे हाफ में ज़बरदस्त खेल दिखाया। स्टीवन बर्ग वन मैच के 86वें मिनट में गोल करके नीदरलैंड्स को 1-0 से आगे कर दिया। इजाफी वक्त में जेपे ने गोल करके डच टीम की जीत तय कर दी। इस जीत के बाद नीदरलैंड्स ने ग्रुप जी में 23 पॉइंट्स के साथ आला मकाम हासिल किया। दो मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की है। तीसरी सीड याफ्ता सिंधु ने थाईलैंड की सोपानीदा कैटथोंग को 43 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-19 से शिकस्त दी। दूसरे दौर में सिंधु का मुकाबला स्पेन की क्लारा अजूर मेंदी से होगा। मर्दों के सिंगल्स में दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी 20 साल लक्ष्य सेन ने 10वें नंबर के खिलाड़ी जापान के केंता सोने मायामा को के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। लक्ष्य ने 1 घंटे 8 मिनट तक चले दिलचस्प मुकाबले में केंता को 21-17, 18-21, 21-17 से शिकस्त दी। अगले दौर में लक्ष्य का मुकाबला टॉप सीड याफ्ता और दो मरतबा के आलमी चैंपियन जापान के कंतुमु मोता से होगा। मर्दों के डबल्स में भारत को मायूसी का सामना करना पड़ा। सातुक साई राज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की छठी सीड याफ्ता जोड़ी पहले दौर में हारकर मुकाबले से बाहर हो गई। मलेशिया के ओंग योसिन की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 17-21, 15-21 से शिकस्त दी। और आलमी खबरों में क्यूबा में कोविड-19 के मामलों में कमी दर्ज हुई है, जिसके बाद क्यूबा ने तकरीबन 2 साल बाद कोविड पाबंदियों में नरमी की है। क्यूबा ने राहत के तहत स्कूलों और बैन अलाक़वामी सयाहों के लिए सरहदों को फिर से खोल दिया है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के मुसाफिरों को मुल्क में दाखिल होने के लिए सिर्फ वैक्सीन का सर्टिफिकेट या हालिया RT-PCR रिपोर्ट ले जानी लाजमी होगी। क्यूबा अपनी 65% आबादी की टीकाकारी मुकम्मल कर चुका है। मौजूदा दौर में क्यूबा में कोविड-19 के 9,59,000 से ज़्यादा मामलात हैं, जबकि अब तक 8,200 अफराद की मौत हो चुकी है। बेलारूस की सरहदी कमेटी ने पोलैंड के सरहदी इलाके में दाखिल हो रहे तारिकीन वतन के एक ग्रुप का वीडियो फुटेज जारी किया है। नकली मकानी करने वालों की तादाद में सबसे ज़्यादा इराक और अफगानिस्तान के तारिकीन वतन हैं। बेलारूस के सरहदी कमेटी ने कहा है कि तारिकीन वतन इन सरहदों के जरिए गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है। और आइए आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जो हम सब के लिए तहरीक का बाइस बन चुका है, आकाश, जिसने अपने अज़्म से हर मुश्किल को मात दी है। एक पैर से कलम पकड़कर आकाश लिख रहा है अपना मुस्तकबिल। ये नन्ना सा अजूबा आज सभी को एक नई हिम्मत दे रहा है। जी हाँ, हकीकत में तो आकाश के दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन हौसला अच्छे अच्छों को हैरत में डाल दे। अपने अज़्म से, अपनी मेहनत से आज आकाश
छठी क्लास में पढ़ता है। आम बच्चों के स्कूल में उन्हीं बच्चों के साथ बैठता है। हर वो काम करता है जो कोई आम सेहतमंद बच्चा कर सकता है। हाथ नहीं तो क्या हुआ, एक पैर नहीं तो क्या हुआ, एक पैर से ही आकाश अपनी किस्मत लिखने में मसरूफ है। आकाश का मतलब क्या होता है? आसमान ऊंचा। तुम भी आकाश कितने ऊंचे हो गए? हाँ। अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? हाँ। सबसे अच्छा क्या पढ़ने लगता है? बड़े होकर क्या बनोगे? ये तुमसे बड़े हैं? अच्छा, तो इनकी मदद करते हो पढ़ने लिखने में? अच्छा, इनको सबसे अच्छा क्या लगता है? करते हैं। आकाश एक पैर से लिखता है, एक पैर से खेलता है, पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि मोबाइल चला लेता है और अपने खूब वीडियो भी बनाता है जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। आकाश के वालिद एक मजदूर हैं, वसाइल की कमी है, लेकिन उसके बावजूद आकाश की पढ़ाई उन्होंने रुकने नहीं दी। आकाश की जिंदा दिली ही कुछ ऐसी है कि उसके टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कैसा पढ़ने लिखने में है और घर में कैसे आप लोग रखते हैं इसको? क्या ऐसे खिलाते पिलाते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक है। दिव्यांग है, कोई परेशानी इसको? परेशानी काम जो ना कर पाता हो? नहीं, काम तो सब कर लेता है, घूमता फिरता है और खेलता रहता है। पढ़ने लिखने में कैसा मन लगता है? हाँ, पढ़ने में मन लगता है। ये कह रहा हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे जी। आप लोगों से भी कहता है? जी, पढ़ने में अच्छा है सर, उसमें एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा रहती है अन्य बच्चों से, और कुछ अलग इसको करने की तमन्ना है इस जीवन में, तो उसको हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो भी क्षमता है उनका हम पूरी तरह से विकास करें। बाकी बच्चों की तरह ही आकाश खूब दिल लगाकर पढ़ता है, अपना सबक सबसे जल्दी याद कर लेता है। हकीकत में हर मुश्किल को अपनी मुस्कुराहट और हौसले से मात देने वाला छोटे से सिरौली गोसपुर का ये आकाश हम सभी को लड़ना सिखा रहा है। बस आकाश के वालिद चाहते हैं कि थोड़ी और मदद मिल जाए जिससे आकाश अपने नाम की तरह कामयाबी का आसमान छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए आप जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। नाज़रीन, आइए मौसम की मालूमात के बाद अहम खबरों की अहम सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 82 में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की सुप्रीम बॉडी 2021 में अपने 100 साल पूरे होने का मना रहा है जश्न। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के तहत सहरोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे आगाज़। 19 नवंबर को एक आलीशान तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी कई मंसूबे कौम के नाम करेंगे वक्त। भारत आज से श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर फिर से करेगा शुरू। मरकज के फैसले के बड़ी तादाद में सिख तीर्थ यात्रियों को होगा फायदा। श्री करतारपुर साहब लाखों भारतीयों की अकीदत का है मरकज।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने हवा के मेयार का मुकाबला करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हुकूमतों को हुक्म जारी किया। दिल्ली NCR में सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। अफगानिस्तान के सिलसिले में अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट आए भारत, कौमी सलामती के मुशीर और खारजा सेक्रेटरी से मुलाकात करके अफगानिस्तान के हालत पर की तफसील से बातचीत। खुदकुश हमलावरों ने युगांडा की राजधानी कंपाला को बनाया निशाना, 3 अफराद की मौत, 30 से जायद जख्मी। इस्लामिक स्टेट ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 बैन अलावामी सीरीज का आज से होगा आगाज। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमों का होगा मुकाबला। रोहित शर्मा करेंगे टीम की क्यादत। और नाज़रीन, फ्रांस के बाज़ारों में क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां और रौनक जो है ख़ास है नज़र आ रही है, और आपको हम इन्हीं झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। आप इसका लुत्फ़ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।